IFAT इंडिया के नवे संस्करण का मुंबई के गोरेगांव स्थित बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में हुआ भव्य शुभारंभ। जी हाँ, आपको बता दें कि IFAT इंडिया का ये प्रदर्शनी 28 से 30 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। इस मेला में उत्कृष्ट प्रबंधन और अपशिष्ट जल प्रशोधन के समाधान एवं सेक्टर में उभर रहे प्रचलनों पर चर्चा करने का एक अनूठा अवसर उपलब्ध कराया गया। IFAT इंडिया जल सीवेज ठोस अपशिष्ट और पुनर्चक्रण टेक्नोलॉजी के लिए देश के प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी है। इस शो के भव्य उद्घाटन समारोह में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी और मशीनरीज उनके काम में सहयोग कर दें तो उनका काम कई गुना ज़्यादा अच्छा और हो सकता है। आई मीन देयर एफिशिएंसी एंड देयर रिजल्ट कैन बी इम्प्रूव्ड। सो दिस एग्जीबिशन इज वेरी मे बी वेरी हेल्पफुल फॉर दिस टाइप ऑफ पीपल्स, इवन फॉर मी, क्योंकि हम भी जब तालाब करते हैं तो वी नीड लॉट्स ऑफ मशीन्स। और कई बार ऐसा होता है कि हमको दो साल बाद मशीन्स का पता चलता है कि अरे यार, दो साल पहले जो काम किया था, अगर ये वाली मशीन होती हमारे पास तो वी कुड डू बेटर। सो दिस एग्जीबिशन इज वेरी ग्रेट फॉर दैट। इंडिया के लिए कितना जरूरी है, कंट्री लाइक इंडिया? कंट्री लाइक इंडिया ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे गांव और देहात तक अभी मशीन्स और टेक्नोलॉजी पहुंची नहीं है। आज भी बहुत सारी आप न्यूज़ पढ़ते हैं कि नाला साफ करते टाइम हमारे मजदूर भाइयों की मौत हो जाती है बिकॉज ऑफ गैस वहाँ से रिलीज होती है, और वो हार्मफुल गैसेस बहुत सारे लोगों की साल भर जान ले लेती है। तो इस तरह की मशीन्स जो पानी को ट्रीट करने या ड्रेन्स को ट्रीट करने में, क्लीन करने में हमारी हेल्प कर सकती है, तो हम क्लीन करने के अलावा बहुत सारी जान्स बचा सकते हैं। सरकारी एजेंसियाँ जो हैं, जैसे मुंबई में है PMC है, केंद्र सरकार भी गंगा को साफ करने के लिए योजनाएँ चला रही, कितना कारगर साबित हो रहा है आपके हिसाब से, क्योंकि आप भी रूरल एरिया में काफ़ी काम कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे लॉज आते हैं हर साल, बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों या ऑनरेबल NGT या ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट्स के हों, बट वो ग्राउंड तक आते 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 कहीं ना कहीं वो बहुत सारे इधर उधर घुल जाते हैं। उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास, जो मुझे खुद महसूस होता है कि गवर्नमेंट के पास स्पेशल स्किल टीम की बहुत कमी है। आप मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट की, चाहे वो वाटर से रिलेटेड कोई भी स्कीम लॉन्च हो रही है, तो वो जाते जाते उसी लेखपाल तक जाके सिमट जाती है। और हमें लगता है कि जो नीचे वाले अधिकारी हैं या गवर्नमेंट की फोर्स है, वो ऑलराउंडर है। वो अभी रिवेन्यू डिपार्टमेंट का भी काम सॉल्व कर लेंगे, वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी देख लेंगे, वो ये भी कर लेंगे, बिकॉज लेकिन सबके पास सारी स्किल्स नहीं हो सकती एक इंसान के पास। तो वी नीड टू हायर सच टाइप ऑफ लाइक स्किल्ड पर्सन, और जो कि आज यहाँ पे बहुत सारे लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने अपने कंपनीज को, वी नीड टू हायर सच टाइप ऑफ ग्रेट टेक्नोलॉजीज एंड मशीन्स, देन वी कैन इम्प्रूव आवर लाइक इम्प्लीमेंटेशंस। थैंक यू, थैंक यू। आप यूपी, महाराष्ट्र और मुझे लगता है जितने भी राज्य हैं, सब में गवर्नमेंट की तरफ से एक योजना चलाई जा रही है तालाबों को, अमृत सरोवर योजना। तो जो तालाब गवर्नमेंट की तरफ से बनाए जाते हैं उनमें सुधार के लिए आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, जो अमृत सरोवर योजना इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी, 22 मार्च से वो शुरू हुआ था, तो उसमें बहुत सारे तालाबों को फिर से पुनर्जीवित किया गया है। और लेकिन हमारे पास इंडिया में मुख्यतः उतनी अब ज़मीन की बहुत कीमत है कि हम नए तालाब बनाएं। तो अब हम गलती क्या करते हैं कि हम नए तालाब बनाने की कोशिश करते हैं और जब तक पुराने वो डंपिंग यार्ड्स बन चुके होते हैं। तो आई ऑल्सो सजेस्टेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड द कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की जो पुराने तालाब है, अगर उन्हीं को हम रिवाइव कर लें तो हमारा जो भी वाटर क्राइसिस है या ग्राउंड वाटर की जो पर्कुलेशन उतना कम हो गया या एक्सट्रैक्शन जो उतना ज़्यादा हो गया, उसको हम सेव कर सकते हैं। देखिए, IFAT इंडिया का ये 9th एडिशन है और ये इंडिया का सबसे बड़ा शो है एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज़ को लेकर। एनवायरमेंट से मतलब है कि पानी और पानी की प्रोसेसिंग, वेस्ट वाटर की प्रोसेसिंग, सॉलिड वेस्ट की प्रोसेसिंग, तो जितने भी एनवायरमेंट रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसमें क्या टेक्नोलॉजीज़ इन्वॉल्व हैं, उन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए उस चीज़ की एग्जीबिशन। इसमें 22 कंट्री से लोग हैं, 250 कंपनीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, बहुत बड़े नंबर में इंटरनेशनल कंपनीज वापस आई हैं इंडिया में 2019 के बाद, क्योंकि ये एग्जीबिशन 3 साल के बाद हो रहा है, और करीब करीब 7 या 8
कौंसिल जनरल्स इनॉग्रेशन में थे, फ्रॉम जर्मनी, फ्रॉम नॉर्वे, फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, फ्रॉम डच, फ्रॉम पोलैंड, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है किसी भी कंट्री के लिए कि बाहर की इतनी कंट्रीज़ एग्जीबिशन में आके देखना चाहती हैं कि इंडिया क्या कर रहा है एनवायरनमेंट को लेकर के। हमारा जो जल शक्ति मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है, पॉल्यूशन को लेकर के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, उसकी वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है जो इंडिया के फेवर में है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स भी उतनी बड़ी है। सरकार का किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है इस प्रोग्राम में? देखिए, गवर्नमेंट का काम होता है विजन को सेट करना। गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया विजन सेट करके कि हम लोग को हर घर जल योजना जो है, जो जल शक्ति एक मिनिस्ट्री बन गई है, तो इससे पता लगता है, इससे वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री को मैसेज मिलता है कि गवर्नमेंट यहाँ की जो है कितना सीरियस है पानी जैसे टॉपिक को लेकर के, पॉल्यूशन जैसे टॉपिक को लेकर के, एयर पॉल्यूशन को, सॉलिड वेस्ट एक बहुत बड़ा इशू है दिल्ली जैसी स्टेट्स में जहाँ पे यू नो वी हैव माउंटेंस ऑफ सॉलिड वेस्ट कमिंग अप। उन सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए यहाँ पे सॉल्यूशंस अवेलेबल है। उन सॉल्यूशंस को सही लोगों तक लेके जाना हमारा काम है। एज अ एग्जीबिशन कंपनी हम लोग चाहते हैं कि जो सप्लाई साइड है और जो डिमांड साइड है, प्रॉब्लम साइड और सॉल्यूशन साइड, इनको कैसे मिलाएं, तो वो हम ईफार्ट के थ्रू करते हैं। नई टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे एक्सपीरियंस कर प्रदर्शनी में, उससे कितना इंडिया को फ़ायदा होगा अगर उसके दर्शन? देखिए, बहुत फ़ायदा होगा। आज की डेट में अभी हम, आपने सुना होगा जो पॉन्ड मैन है, वो क्या करते हैं कि जो भी जहाँ पे भी कूड़ा इकट्ठा हो जाता है उसको क्लीन करके वहाँ पॉन्ड्स को रीस्टार्ट कर देते हैं, तालाब को ज़िंदा कर देते हैं। अब इसको करने के लिए अभी तक हम क्या करते थे, हम हाथों को यूज़ कर रहे थे, हम इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे ऐसी दर्जनों टेक्नोलॉजीज़ हैं जहाँ पे आपको मशीन को एक बार मूव करना है और वो तालाब ज़िंदा हो जाएगा। तो ये पहले नहीं था हमारे पास, अभी है। उसी तरीके से एयर सॉल्यूशंस को लेकर के हमने एक और टेक्नोलॉजी डिस्प्ले की थी यहाँ पे, एयर टू वाटर, कि आप हवा में से पानी सक करके पीने वाला पानी बना सकते हो बहुत कम टाइम में। तो वर्ल्ड की जितनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो जो दुनिया में चल रहा है, वो हमने यहाँ पे लाके डिस्प्ले कर दिया। हमारी उम्मीद है कि अगले 3 दिन में यहाँ पे 10,000 लोग विज़िट करेंगे, और ये 10,000 लोग इंडस्ट्री के हैं। ये 10,000 लोग यहाँ से सोल्यूशन लेके वापस इंडस्ट्री में जाएंगे, और जब ये सोल्यूशन इंडस्ट्री में जाएंगे, इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगी। ठीक है।